परिवार के साथ बैठकर जब भी आपको कोई फिल्म देखने का मन करता है तो आपके जहन में सलमान और माधुरी की सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन का नाम तो जरूर याद आता होगा। प्यार, परंपरा और परिवार का परफेक्ट जायका इस फिल्म में देखने को मिलता है और अब इस फिल्म ने 27 साल का सफर पूरा कर लिया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं फिल्म से जुड़े कई मजेदार किस्सों पर। बॉलीवुड में अब तक कई आइकॉनिक फिल्में बन चुकी हैं। ये फिल्में दर्शक जितनी बार देख लें लेकिन मन नहीं भरता। इन्हीं में से एक नाम है फिल्म हम आपके हैं कौन का। 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई ये एक ऐसी फिल्म है जिसके नाम कई रिकॉर्ड्स तो है ही, साथ ही ये सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म भी है। फिल्म में माधुरी दीक्षित और सलमान खान लीड रोल में थे। सलमान माधुरी की जोड़ी ने पर्दे पर वो जादू क्रिएट किया था कि हर कोई देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। आपको बता दें इस फिल्म में सलमान की जगह पहले आमिर खान को चुना गया था। सूरज बड़जात्या इस फिल्म का ऑफर आमिर खान के पास लेकर गए थे लेकिन उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। इसके बाद सूरज को सलमान खान का ख्याल आया। वैसे भी दोनों में मैंने प्यार किया में साथ काम किया था। सलमान उस दौर करियर के खराब दौर से गुजर रहे थे और उन्होंने फिल्म के लिए फौरन हाँ कर दी। इस फिल्म ने सलमान को सुपरस्टार बना दिया तो माधुरी बन गई बॉलीवुड की क्वीन। माधुरी वैसे भी उस दौर में दिल, बेटा, तेजाब जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में छाई हुई थी। कहते हैं उस दौर में माधुरी जिस फिल्म में काम करती उस फिल्म की हीरो माधुरी ही बन जाती। लोग ये भी भूल जाते थे कि इस फिल्म में हीरो भी है। कुछ ऐसा ही इस फिल्म में सलमान खान के साथ हुआ। माधुरी के जलवों के आगे वो फीके पड़ गए। यही नहीं, फिल्म के लिए सलमान से ज्यादा फीस माधुरी को मिली थी। इस फिल्म के लिए माधुरी ने करीब 2,07,00,000 रुपए वसूल किए थे। सलमान के मुकाबले उनकी फीस कहीं ज्यादा थी। इस फिल्म में वर्ल्ड वाइड 135 करोड़ का कारोबार किया था। हम आपके हैं कौन राशि प्रोडक्शन की ही 1982 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म नदिया के पार का रीमेक थी। सूरज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सलमान खान, माधुरी दीक्षित के अलावा मोहनीश बैल, रेणुका शाहने, अनुपम खेर, आलोक नाथ, रीमा लागू और लक्ष्मीकांत बेर्डे जैसे स्टार्स नजर आए थे। इस पारिवारिक फिल्म को आज भी लोग साथ में बैठकर देखते हैं। हम आपके हैं कौन ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। फिल्म के सभी गाने जबरदस्त हिट रहे थे। फिल्म का एक गाना दीदी तेरा देवर दीवाना तो दर्शकों के दिल में ही उतर गया। लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया था। इस गाने में माधुरी दीक्षित की पर्पल साड़ी और बैकलेस ब्लाउज खूब मशहूर हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी की इस पर्पल साड़ी की कीमत करीब 15,00,000 रुपए थी। साड़ी को एना सिंह ने डिजाइन किया था। ये फिल्म हम आपके हैं कौन का सबसे महंगा कॉस्ट्यूम था। फिल्म की रिलीज के बाद ये साड़ी इतनी पॉपुलर हो गई कि मार्केट में ऐसी साड़ियां खूब बिकने लगी थी। हम आपके हैं कौन में कलाकारों के कपड़ों और सेट का खास ख्याल रखा गया था और इसका असर पर्दे पर साफ दिखा। फिल्म की शूटिंग ऊटी और मुंबई के स्टूडियोज में हुई थी। देखा जाए तो हम आपके हैं कौन ने कई इतिहास रचे हैं। इस फिल्म को भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी खूब पसंद किया गया। तब पाकिस्तानी ये कहने लगे थे कि माधुरी हमें दे दो और कश्मीर रख लो। ब्यूरो रिपोर्ट E24।